Assalamualaikum, hi friends, I am Asghar Ali and you are watching Technical Bajwa. Infinix Hot 10 series का एक और मॉडल Infinix ने लॉन्च कर दिया है, Infinix Hot 10 i. प्राइस भी आ चुकी है, 22,000 की प्राइस में लॉन्च किया गया पाकिस्तान की मार्केट में. अब स्पेसिफिकेशन क्या है, 22,000 की प्राइस में क्या ये फ़ोन आपको बाय करना चाहिए, अनबॉक्सिंग इस फ़ोन की लेकर आएंगे हम. लेकिन आज की इस वीडियो में स्पेसिफिकेशन और यहाँ पर अवेलेबिलिटी कब होगी इस फ़ोन की, और ये फ़ोन वाकई एक वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है या नहीं, क्योंकि गेमिंग पर फोकस किया गया है, स्टोरेज पर फोकस किया गया है, और देखते हैं क्या क्या स्पेसिफिकेशन है. तो वीडियो को देखा कम्प्लीटली, अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया देर किस बात की, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी. देखते हैं Hot 10 i कैसा है, न्यू वीडियो के साथ करते हैं स्टार्ट. दोस्तों सबसे पहले हम डिजाइन की बात करें, डिजाइन को इतना लेटेस्ट नहीं बनाया गया, Infinix Hot 10 Play से मिलता जुलता डिजाइन है. Infinix Hot 10 Play में बैक साइड पर कैमरा मॉड्यूल जो था ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल लगता था वो, क्योंकि AI कैमरा लगाया गया था, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल स्क्वायर कैमरा डिजाइन दिया गया है, बिल्कुल सेम टू सेम, लेकिन ड्यूअल कैमरा का सेटअप दिया गया है, और बैक साइड पर पॉलीकार्बोनेट को यूज किया गया, मतलब कि प्लास्टिक बॉडी से ही बना हुआ है. कुछ मिलता जुलता डिजाइन ही है Infinix Hot 10 Play से, कुछ ज्यादा चेंजिंग नहीं की गई, कहे कि ज्यादा चेंजिंग की गई, बाकी थोड़ा शाइनी सा डिजाइन है. यहाँ पर चार कलर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, कलर्स के नाम थोड़े मुश्किल है, मैं आसान कर देता हूँ. ग्रीन कलर, ओकेन कलर, ब्लैक कलर एंड पर्पल कलर, चारों कलर्स आपको देखने को मिल जाएंगे. और यहाँ पर आपको दोस्तों फ्रंट पर डिस्प्ले बिल्कुल पंच होल वाला नहीं मिलेगा, यहाँ पर डिस्प्ले आपको नॉच टेक्नोलॉजी वाला मिलेगा, डिस्प्ले IPS LCD वाला मिलता है, 6.52 इंचेस का HD प्लस की रेजोल्यूशन. यहाँ पर आपको दोस्तों गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं मिलती, लेकिन दोस्तों यहाँ पर डिस्प्ले आपको पुराना है, क्योंकि बजट रेंज में लाना था इस फोन को, तो डिस्प्ले पंच होल नहीं दे पाए, क्योंकि बजट में भी पंच होल हैं, लेकिन अब Infinix की मर्जी है, पंच होल होता तो ज्यादा बेहतर होता. कहा जा रहा है कि डिस्प्ले में हाई ब्राइटनेस भी रखी जाएगी, Infinix के फोन में वैसे ब्राइटनेस वगैरह का मामला थोड़ा कम ही होता है, तो देखते हैं इस फोन में कैसी ब्राइटनेस होगी. लेकिन यहां पर आपको जो मेन चीज है, जो फोकस्ड इस फोन में, वो है इस फोन का प्रोसेसर. पहली बार Infinix के फोन में MediaTek का हेलियो P65 वाला प्रोसेसर यूज़ किया गया है. जी हाँ दोस्तों, ये गेमिंग चिपसेट है, और ये प्रोसेसर जो है बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर है, बैटरी को बिल्कुल हिसाब से कम खर्च करता है, क्योंकि Vivo S1 में ये प्रोसेसर दिया गया था, बैटरी को बिल्कुल कम कंज्यूम करता है ये प्रोसेसर, क्योंकि मैनेजमेंट इस प्रोसेसर की काफ़ी अच्छी दी गई है. बैटरी का खर्चा तो ज़्यादा होगा, लेकिन एफिशिएंट प्रोसेसर है तो उस हिसाब से कम ही खर्चा होगा. बाकी गेमिंग के लिए ये प्रोसेसर G35 से बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, जो कि P35 या G35 दिया जाता है उनसे काफ़ी ज़्यादा गेमिंग में बेहतर, और HD में हाई सेटिंग्स का ऑप्शन भी दिया जाएगा PUBG वगैरह में. तो ये जब फ़ोन हमारे हाथ में आएगा तब हम PUBG टेस्ट वगैरह भी कर लेंगे इस फ़ोन का. यहाँ पर कैमरा जो इतने खास नहीं है, बैक साइड पर 13 मेगापिक्सल का ड्यूअल AI कैमरा दिया गया, और फ्रंट में 5 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है. तो कैमराज के मामले में AI कैमराज तो कूट कूट कर भरे होते हैं Infinix के फ़ोन में. यहाँ पर कलर्स वगैरह हैं, कलर सेचुरेशन, कलर बूस्टेड दिए जाते हैं. तो खैर रिजल्ट वगैरह का मामला भी चेक करेंगे, कैमराज पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया गया. 6000 mAh की बैटरी फ़ोन में लगाई गई है, और साथ में 10W की चार्जिंग है. फास्ट चार्जिंग को नहीं इंक्लूड किया गया, क्योंकि कम प्राइस में लॉन्च करना था. इस फोन में आपको जो है फेस आईडी का ऑप्शन भी मिल जाता है, एंड फिंगरप्रिंट बैक साइड पर माउंट किया गया है. जी हाँ दोस्तों, बैक साइड पर फिंगरप्रिंट और फेशियल आईडी भी इसमें इंक्लूड की गई है. पर माइक्रो USB 2.0 दी गई है, टाइप सी की कनेक्टिविटी भी नहीं दी गई, और एक ही वेरियंट लॉन्च किया गया है, 4GB रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज. तो दो ही चीज़ों पर फोकस किया गया, एक प्रोसेसर MediaTek Helio P65, दूसरा बड़ी स्टोरेज, 4GB रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज. प्राइस रखी गई है 22,000 रुपये, काफ़ी एक्साइटिंग प्राइस है, लेकिन थोड़े वीक पॉइंट भी मैंने आपको बता दिए हैं. अब प्री ऑर्डर इस फ़ोन का लग चुका है, अब जैसे ही आप ऑर्डर करेंगे, यहाँ पर Xpark Infinix की जो वेबसाइट है वहाँ पर आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं. मैंने भी ऑर्डर किया है, तो जल्द जैसे ही मिलेगा हम अनबॉक्सिंग इस फ़ोन की लेकर आएंगे आपके लिए, PUBG टेस्ट वगैरह, कंपेरिजन्स भी, काफ़ी वीडियोज़ जितनी हो सकी कोशिश करके काफ़ी वीडियोज़ लेकर आएंगे. तो 22,000 की प्राइस में दोस्तों मुझे गेमिंग के हिसाब से और यहाँ पर स्टोरेज के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी लग रहा है, बाकी कैमरास पर फोकस नहीं किया गया, और फास्ट चार्जिंग में इंक्लूड करने की ज़रूरत थी. खैर जब फ़ोन आएगा तो बिल्कुल ऑनेस्टली आपको बता देंगे कि ये फ़ोन वाकई ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर वगैरह इसका कैसा है, बग्स वगैरह तो नहीं है. तो आपको ये फ़ोन कैसा लग रहा है, वैल्यू फॉर मनी या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़. पाकिस्तान
जिंदाबाद।